आप ये समझ रहे हो कि मैंने बच्चा गोद में लिया? नहीं, बच्चा गोद में नहीं लिया, ये एक कदर दूल्हा है और मुकम्मल दूल्हा है, बात थोड़ी ठंड की वजह से सुंगड़ गया, तो मैं माफी चाहता हूँ। ये क्या है? ये मेरा दूल्हा है, मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। ये तो पहले हफ्ते खत्म हो जाएगी। अल्लाह ना करे आपके मुंह में खाक। ब्याह करूं तो पहले कोई रहसन देखती हूं, अपने पेटी सूटी नहीं खाऊं। आप तो दूल्हा जेब में भी डाल लेती हूं। जी सुबह मैं कहूंगा मैं आपसे प्यार करता हूं, सुबह आंधी से फिर मैं सेहत देख के थोड़ा घबरा जाना सा। घोड़ी पे बैठ के आए थे, बकरे पे बैठ के आए थे या पैदल? घोड़े पे क्यों बैठे? मैं माफी चाहता हूँ कि घोड़ी पे तो बैठेंगे ऐसे है ना जैसे घोड़ी को फोड़ा निकला हुआ। अपने दूल्हे के साथ सफर करती है, कनेक्टर तो कहता होगा अभी भी बच्चा गोद में कर लो। कपड़े वगैरह खरीदने जाती हैं तो आप तो इनके बच्चों वाले कपड़े लेके आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान और आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखा जोड़ा बैठा है। आप ये समझ रहे हो कि मैंने बच्चा गोद में लिया? नहीं, बच्चा गोद में नहीं लिया, ये एक कदर दूल्हा है और मुकम्मल दूल्हा है, बहुत थोड़ी ठंड की वजह से सुंगड़ गया, तो मैं माफी चाहता हूँ। हम इन मेरी बहन जो मेरे साथ बैठी है बड़े गुस्से से देख रही है क्योंकि उनके दूल्हे पे कोई बात हुई। हम इनसे पूछते हैं आखिर ये लव स्टोरी कैसे चली, आखिर इनकी ये शादी कैसे हुई, ये हुआ कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं अकड़ बकड़ बम्बे बो असी नबे पूरा सौ लड़की से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? ये मेरा दूल्हा है, मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। ये आपकी जिंदगी? जी मेरी जिंदगी है। ये तो पहले हफ्ते खत्म हो जाएगी। अल्लाह ना करे आपके मुंह में खाक। मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा मैं मजाहिया आदमी हूँ, मुझे माफी चाहता हूँ। मजाक ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अच्छा मेरी बहन आप बात है। मैं माफी चाहता हूँ। आप क्या कीता है? ब्याह कीता और क्या कीता? ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰਹਿਸਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੇਟੀ ਸੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਉਂ? ਇਹ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਫੇ ਚਾਹਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤਾ ਕੇ। ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਦੁਲਾ ਜੇਬ ਮੇ ਵੀ ਡਾਲ ਲੇਤੀ ਹੋ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, तो आपको खुशी हो रही है या सिर्फ फजल हो रहा है? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा मेरी बहन ये तो मजाक करते रहेंगे साथ, आखिर ये प्यार मोहब्बत ये लव स्टोरी चली कैसे, स्टार्ट कहाँ पे हुई और कैसे आप दोनों में ये प्यार मोहब्बत हुआ? जी हम लोग ना इकट्ठे काम करते थे स्टेज प्ले, तो लोग मुझे भी बड़ी बातें करते थे और इसके कद पे भी बड़ी बातें करते थे, तो हमें तो अल्लाह पाक ने बनाया जैसा बनाया है, हर इंसान को जैसा भी बनाया खूबसूरत बनाया है, किसी में कोई कमी नहीं है। तो हम दोनों अक्सर इकट्ठे बैठ के ये बातें सोचते थे कि क्यों लोग हमें होट करते हैं, तो बस ऐसे ही एक दूसरे से दुख सुख बोलते हुए एक दूसरे से मोहब्बत होगी। आप दोनों ने दुख सुख फरोला, आपको मोहब्बत होगी की वकूह है, जरा दिल की गल दसो। शुरू शुरू जो उन्होंने गलबात की मैं लगा शक पिया कि मेरे ना प्यार कर दें। शक पै गया? इन्नी हिम्मत हो गई जवान तेरे जो के माफी चाहना। मैं शक पिया फिर मैं सोचा छे महीने इस तरह गल्ला होंदिया रही साड़िया आपस ही, मैं क्या प्रपोज करने का टाइम आता सी, मैं कहना हाँ रोज़ रात को घर आ सुबह मैं कहंगा मैं आपसे प्यार करता हूँ, वो सुबह आँदी सी फिर मैं सेहत वेख के थोड़ा घबरा जाना सा। मैं क्या कोई गल नहीं अगले दिन मैं क्या हौसला करो तो कह दियो, फिर मैं अगले दिन हौसला किया, पिछे मैं इट्टा बनिया, मैं क्या जो प्रपोज ही होएगा। इट्टा क्यों बनिया? पैराशूट बनना सी तुसी? ओ तक्का वजह कंट्रोल ते होइएगा ना। अच्छा। मैं गया मैं क्या मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे मैं शादी करना चाहता, तो अन्ना ने गेम कीता ते कहंदे अच्छा कहंदे ठीक है मैं आपसे शादी करूंगी, आप अपने मामा पापा को राजी कर। मैं क्या ओ ते टेंशन ही कोई नहीं मैं नाल लेके आ। अच्छा नाल भी लैंदा तुहानू कन्फर्म सी कि गलबात हो जाएगी? हां मैं क्या नाल ही मैं फोन कीता, असल में फासला कम था ना घरों में, तो इसलिए फिर इसने कहा कि मेरे जो वालदैन है ना वो आपके घर आ जाएंगे आज। अच्छा आपके घर साथ साथ हैं? हां थोड़ा फासला है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा फासला है। हां जी। और अब मेरी वजह से फासला है? हां जी। और आपको मैं बहुत बुरा लग रहा हूं? बहुत ज्यादा। अच्छा मेरी बहन आप ये बताएं आप शादी आपकी होगी, शादी के बाद सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी खानदान की या रिश्तेदारों की या मोहल्लेदारों की कौन कौन सी बात का आपको सामना करना पड़ा? बातें तो काफ़ी लोग करते हैं लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर बातों की तरफ देखा जाए
तो फिर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो हमें इनसे क्या लगे, कोई जो मर्ज़ी कहता रहे, हमारी अपनी लाइफ है, हम जैसे मर्ज़ी गुजारें। तो बस हमने सबको इग्नोर किया और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और मज़े से जी रहे हैं। चले आप कहते हैं तो मैं यकीन कर लेता हूँ। चले आपके खानदान ने तो बातें की होगी कि ये क्या किया, आपके खानदान क्या कहते होंगे विक्की की तई? मेरे खानदान वाले बड़े राजी सी क्योंकि उन्होंने पता सी इन्हें देनी किसी ने नहीं तो सानू लभनी कोई नहीं, इन्हें आप ही खा लिया तो चलो चंगी गल है। नहीं, इनकी फैमिली बहुत प्यार करती है मेरे साथ। हाँ जी, ये भी करते हैं और इनकी फैमिली भी। मुझे कमी महसूस नहीं होती अपनी फैमिली की। कमी महसूस होनी कहाँ, हर चीज़ तो कमी कम है। मैं माफ़ी चाहता हूँ वैसे। अच्छा ये बताएं, आप दोनों थिएटर ड्रामा करते हैं, स्टेज प्ले करते हैं? हाँ जी। तो जो फील्ड के आपके दोस्त थे, जो कुलीग थे, उनका रिस्पांस क्या था रहा? उन्होंने भी काफ़ी बातें की हैं, लेकिन पहले भी करते थे, बाद में भी की हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ा, कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताएं कि जब ये घोड़ी पे बैठ के आए थे, बकरे पे बैठ के आए थे या पैदल? बकरे पे क्यों बैठे? मैं नफी चाहता हूँ कि घोड़ी पे तो बैठेंगे ऐसे है ना जैसे घोड़ी को फोड़ा निकला हुआ, छोटे से तो है ना। आप बदतमीजी कर रहे हैं, मैं लिहाज नहीं करती हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इनको देख के पता नहीं मुझे क्यों झुकते से आ रही। आप घोड़ी पे बैठ के आए थे? हाँ जी, मैं घोड़ी पे बैठ के गया था। नहीं, घर से निकलते हुए घोड़ी पे बैठे थे, आगे हमारे घर का जो सफर था ना वो गाड़ी में आए थे। गाड़ी में आना चाहिए, पैदल आ जाते तो ये बच्चों में गुम हो जाते जी। और क्या ऐसे है ना। अच्छा आपके दोस्त, आपको पता है कि हमारी शादी देखने पूरा आधा लाहौर इकट्ठा हुआ था? लाहौर इकट्ठा हुआ था? वो अजूबा चेक करने आएंगे भी, ये कौन सा अजूबा, सॉरी चेक करने आएंगे भी, ऐसा जोड़ा पाकिस्तान में इजाद हो चुका है, मैं इजाद हो चुका है या ऐसा बन चुका है? एक मैं कोई बात करूंगा फिर आप गुस्सा कर जाएंगे। तो वैसे आप ऐसी बात ही ना करें जिससे हमें गुस्सा है। मैं ऐसी बात ही नहीं करूँगा। अच्छा कोडू साहब ये बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शान। शान पाकिस्तान के साथ, शान कोडू हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? रिमशा। अच्छा मेरी बहन, मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आप नाराज मत हो जाएगी? नहीं, अगर नाराज होने वाली हुई तो जरूर होंगी, अगर नहीं तो फिर इग्नोर। आप इग्नोर करेंगे? जब आप अपने दूल्हे के साथ सफर करती है, कनेक्टर तो कहता होगा अभी भी बच्चा गोद में कर लो। नहीं ऐसा नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सफर कर रहे होते हैं ना तो सीट कम होती है, तो कंडक्टर आके कह देता मुझे कि बीबी ये अपना बच्चा झोली में कर लो। तो मुझे तो दो फायदे हो गए, खावंद का खावंद और बच्चे का बच्चा। नहीं आपके साथ कोई इस तरह वकूह है शादी के बाद? अज़हर साहब सब कुछ ताड़ी वजह नाल हो रहा है, उस तो अलावा कुछ नहीं होता। नहीं कभी तो ना लैन जो है कि दुध लैन गए हो तो कढ़ाई के थलो घूम के आ गए भी दुकान बंद हैगी। ऐसा भी झूठ ही है, दुध लेने बाद भाई कहना जी भाई गुफ्तगू मत करें, मुझे दुख होता है। अच्छा कभी कभी ऐसा फील हुआ कि ये फैसला सही नहीं हुआ या और फैसला करना चाहिए? नहीं मुझे कोई दुख नहीं, मुझे खुशी है कि मैंने ये फैसला किया। आपको कभी हुआ कि भाई इतना बड़ा फैसला मुझे नहीं करना चाहिए था? मैं तो खुशी खुशी कीता सी। खुशी खुशी कीता सी क्योंकि मुझे कोई लबन ही नहीं दे ही सी, तो मैं आगा फिर ऐसे ही चलेगा। अच्छा जब आप कपड़े वगैरह खरीदने जाती हैं तो आप तो इनके बच्चों वाले कपड़े लेके आती हूँ? नहीं देख लेंगे, इन्होंने पहने हुए हैं, ये बच्चों वाले हैं। तो पैंट कोट बच्चे वाले ये होर कितना कह गए बड़ा होना, कल्ले जाओगे कह दोगे भी एक बच्चे का सूट दिखा दें? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। ये खुद जाते हैं कपड़े लेने के लिए अपने। अच्छा। हाँ मैंने इनके लिए खरीदे, अक्सर ये मेरे लिए भी लेके आते हैं। अच्छा जब आप अपने खानदान में जाते हैं किसी फंक्शन पे या इवेंट पे तो इन्हें क्या कहते हैं कि कितने दूर ना जाए घूमना हो जाएगा? बच्चों के साथ ये घूमने वाली चीज ही नहीं है। आप अब कभी इन्हें मना किया कि बच्चों के साथ नहीं खेलना? नहीं मैंने कभी मना नहीं किया, ये खुद समझदार है, इन्हें पता है कि ये बड़े हैं तो इन्हें बड़ों की महफिल में जाना चाहिए। आपके दोस्त जो है वो बड़े हैं या बच्चे हैं सारे? मेरे दोस्त सारे बड़े हैं। अच्छा सारे बड़े हैं? हाँ जी। आपकी शादी में सारे दोस्त आए थे? सारे दोस्त आए थे। अच्छा जब आपका वलीमा हुआ तो वलीमे में खाने में क्या पकाया था? जो आम रूटीन में पकते हैं वही बाजरा। आ आ आ, आ सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। तो बाजरा क्यों पकेगा भाई? मैं माफी चाहता हूँ जी, तूरी वंड पका जी। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, हम आपका लिहाज कर रहे हैं, आप तमीज से बात करें हमारे साथ। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों, बरहाल मुझे मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, अल्लाह पाक आप दोनों को खुश रखे सलामत रखे। बच्चों का क्या प्लान है? मैं सिर्फ आखिर तो पूछूंगा कि बच्चों का क्या प्लान है, आपसे पूछूँ या आपसे पूछूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी पूछना तो पड़ेगा। आप शर्मा रही हैं, आप शर्माएं, मैं आपके शौहर से पूछता हूँ।
तो क्या प्रोग्राम है, बच्चे कितने होने चाहिए जिंदगी में? बच्चे जितने मर्जी हों थोड़े ही होते हैं। नहीं, आप जितने हों तो 15-20 भी हो सकते हैं। अगर नहीं, मजाक कर रहे हैं वैसे, अगर बच्चे वैसे जितने भी हों थोड़े हैं, क्या प्लानिंग क्या बच्चों की? मेरी तो क्रिकेट ही पूरी करने की प्लानिंग है। अच्छा, आप चाहते हैं कि बच्चे 11 हों? 11 पूरे 11, और मैंने उन्हें 2020 वर्ल्ड कप खिलाऊंगा। बढ़िया, इंडिया के खिलाफ खिलाएंगे। अच्छा मेरी बहन, लोग आपको बातें करते परेशान करते हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? देखिए जी, उनके लिए तो यही पैगाम है कि आप कभी किसी को होट मत करें। बनाने वाली तो रब की ज़ात है, इन्हें भी रब ने बनाया, मुझे भी रब ने बनाया, उन्हें भी रब ने बनाया। तो जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं, एक उठाते हैं तो दो आपकी तरफ, तीन उठती हैं, बल्कि दो भी नहीं यकीन तो उठा के देखें, ये तीन आपकी तरफ उठ रही हैं। तो कभी भी किसी को होट मत करें, ये रब की बनाई हुई मखलूक है, इनसे प्यार करें, इन्हें प्यार दें, प्यार बांटें लोगों में, यही अपनी ज़िंदगी का असूल बनाएं, किसी का दिल ना दुखाएं। किसी का दिल मत दुखाएं। कभी भी आपको कोई हेल्दी खातून मिल जाए या छोटे कद का इंसान मिल जाए, इनसे प्यार करें। किसी पे भी उंगली उठाने से पहले ये सोचें, तीन उंगलियां अपनी तरफ उठाएंगे। किसी में भी नुक्स निकालने से पहले आप ये सोच लीजिएगा, आप उसे कुछ नहीं कह रहे, आप बनाने वाले को कह रहे हैं कि उसने सही नहीं बनाया। तो अल्लाह हमें माफ़ करे, ये जो लोग हैं ये प्यार करने वाले लोग हैं, इनसे प्यार करें, इन्हें हूट मत करें, इनकी दिल आजारी मत करें। शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका देसी एंकर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ। शान पाकिस्तान को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं हूं आपका, एक मिनट, आपने हमें वो दिया नहीं वो जो देते हैं सलामी ये मेरी तरफ से सलामी ये वाली सलामी नहीं, नकदी। मैं अपनी बहन को नकदी दूंगा, आपको मैं पैसे खुले करा के दूंगा। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं कि नहीं। मैंने कहा अल्लाह हाफिज।